आईवी इंडिया न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश के शहर साफ सफाई के मामले में भले ही फिसड्डे साबित हुए, लेकिन योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश का राज काज संभालते ही स्वच्छता अभियान के प्रति अपनी जो प्रतिबद्धता दिखाई वो काबिले तारीफ है। योगी सरकार के कई मंत्रियों ने झाड़ू थामकर स्वच्छता का संदेश तो दिया, वहीं अधीनस्थ कर्मचारियों को स्वच्छता का संकल्प भी दिलाया। बता दें कि मऊ जनपद के दोरेघाट ब्लॉक अंतर्गत बुढ़ावर, भैंसा खरक, पतजीवा, पतनई, बुजुर्ग, नगरी पार जैसे कई गाँव में हमारे न्यूज चैनल ने चलो गांव की ओर कार्यक्रम चलाया। इसमें देखा गया कि सफाई कर्मियों की उपस्थिति के बावजूद भी स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ रही है। पर देखा जाए तो बुढ़ावर के राय बस्ती में दबंगों द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा होने के कारण घरों का पानी पीडब्ल्यूडी मार्ग पर लगकर नदी का रूप धारण कर लिया है, जिसे लोगों के आवागमन में समस्याएं बढ़ती नजर आ रही है। दूसरी ओर देखें तो नगरी पार में दर्जनों गांव को जोड़ने वाला कुरौली थानेदास मार्ग पर चौधरी चरण सिंह नहर की माइनर जाम होने के कारण एक फुट ऊंचाई की धारा मार्ग पर 100 मीटर दूर तक बह रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन गांवों में सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ गरीब मजदूरों और किसानों को नहीं मिल पा रहा है। कारण यह है कि ग्राम प्रधान को अभी तक सफाई कर्मी, आंगनबाड़ी, ग्राम विकास अधिकारी, रसोइयों याद का नाम तक नहीं आ रहा। हमने जब ग्राम प्रधान से संपर्क साधना चाहा तो पहले तो महानुभाव आनाकानी करने में दिलो जान से लग गए कि मैं यहाँ हूँ, वहाँ हूँ, समय नहीं है, यानी तमाम प्रकार के बहाने करते नजर आए। लेकिन हमारे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था कि आखिर सरकार द्वारा करोड़ों का बजट जो केंद्र या राज्य सरकार से ग्रामीणों की देखभाल के लिए आता है वो लाभार्थियों तक नहीं पहुँच पाता है, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है। लेकिन ग्राम प्रधान को जैसे कुछ और ही समझ में आ रहा था या फिर हमारा कोई क्या कर लेता इसका घमंड था। बहरहाल कड़ी मशक्कत के बाद ग्राम प्रधान से हमारा संपर्क हुआ, लेकिन जनाब का जवाब चौंकाने वाला था। पहले सुनते हैं। रसोइया पांच हैं। नाम बता दीजिए। नाम उनका तो जूनियर में कितने रसोइया होंगी? जूनियर में दो हैं। उनका नाम बता दीजिए। अध्यापक कितने हैं? अध्यापक नौ हैं। नौ है। शिक्षा समिति की बैठक की गई होती उसमें आप उपस्थित रहे होंगे। अध्यापकों का नाम बता दीजिए। अध्यापकों को सुनीता देवी और एक दो लोग और हैं। अच्छे, दो लोग और हैं लेकिन नाम नहीं मालूम है। आपके क्षेत्र में जैसे ये भी क्षेत्र में सत्र में आया लोग। अच्छे, बच्चे कितने जूनियर में हैं? बच्चे जूनियर में पांच हैं। प्रतिमाह कितना खर्च लगभग जाता होगा? किसका? जूनियर का। अभी तो वो लोग बता रहे। आपके यहाँ से पेमेंट नहीं होता है? हम पेमेंट तो नहीं करते। अच्छे, मतलब जैसे बच्चों का जो मिड डे मील है वो पेमेंट वो हेडमास्टर देखते हैं? कारोबार कारोबार उसका भोजन कारोबार हम देखते हैं। अच्छा, देखते हैं तो वही उनका मतलब कितना प्रतिमाह बैठता होगा? प्रतिमाह का अलग अलग में हमको लगभग में लगभग हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा अच्छा, लगभग में नहीं। और आप यहाँ सफाई कर्मी कितने हैं? सफाई कर्मी एक है। एक है। और आशाएं कितनी है? आशाएं आशा एक है। एक है। उनका नाम? उनका नाम नहीं पता हमें, जल्दी उन्हें ट्रांसफर किए। अच्छा अच्छा। आंगनबाड़ी? आंगनबाड़ी यहाँ दो तीन लोग हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। नाम क्या है? नाम नहीं पता। यहाँ पे ग्राम विकास अधिकारी कौन है? यहाँ पर ग्राम विकास अधिकारी ये है काना राय साहब है। इस समय तो कल का ट्रांसफर हो गया। आपने सुना इस ग्राम प्रधान को कुछ मालूम ही नहीं, और जनाब कहीं खड़े होते होंगे तो बड़े गर्व से कहते होंगे कि मैं इस ग्राम का प्रधान हूँ। लेकिन यह रिपोर्ट बता रही है कि ऐसे प्रधान को शर्म आनी चाहिए जिसे अपने ग्राम सभा के बारे में कुछ मालूम ही ना हो और अपने आप को ग्राम प्रधान बता रहा है। आगे हमने ग्रामीणों से भी बात की। आपका नाम? आपको आवास नहीं मिला है? प्रधान की तरफ से कोई सुविधा मिलती है? नहीं। आपको आवास मिला? नहीं। नहीं मिला? नहीं। और तीनों भाई एक ही में रहते हैं? नहीं, अलग अलग। अच्छा, आपके परिवार में कितने हैं? दस लोग। दस लोग हैं। और आपको राशन मिलता है? राशन नहीं मिलता है, राशन कार्ड ही हमारा नहीं बना है। नहीं बना। सफाई कर्मी कभी आते हैं? नहीं। यहाँ के सफाई कर्मी कौन है? पता नहीं, आज तक आया ही नहीं। यहाँ पर नाली जाम हो जाती तो कौन साफ करता है? हम ही लोग। अच्छा, आप लोग साफ करते हैं? आवास मिला कभी? अरे, आपके घर में बहुत बुजुर्ग नजर आ रहे हैं, लगभग 70 वर्ष से करीब उम्र है। इनको सरकार की तरफ से कोई जैसे पेंशन कुछ
चद्दर कुछ नहीं मिला ना। अरे आवास वास आपका कभी सर्वे करके लोग ले गए थे? कोई बार ले लेकर जाते हैं लेकिन आपको मिलता नहीं है। कितने लोग हैं? चार जाने हैं। चार लोग हैं और राशन आपको कितना मिलता है? 15। पहले कितना मिलता था? 35। अब ऐसे में इस गांव की हालत देखने के बाद एक बात तो साफ साफ साबित होती है कि स्वच्छता अभियान की डंका पीटने वाली बीजेपी सरकार की इस गांव तक कोई भी सुविधा नहीं पहुंची है, या फिर ऐसे प्रधान अपनी जेब भरने में मशगूल हैं। आईपी इंडिया न्यूज के लिए मनोज सिंह, मऊ। दोहरीकांड ब्लॉक अंतर्गत चलो गांव की ओर कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें देखा गया कि बुढ़ावर, भैंसा खरक, परजीवा, पतनई, बुजुर्ग, नगरी पार जैसे कई गांवों में सफाई कर्मियों की उपस्थिति के बावजूद भी स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ रही हैं। बता दें कि बुढ़ावर गांव के राय बस्ती में दबंगों द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा होने के कारण घरों का पानी PWD मार्ग पर लगकर नदियों का रूप धारण कर लिया है, जिसमें लोगों के आवागमन की समस्याएं बढ़ती नजर आ रही हैं। घर घर के सामने जल जमाव लगा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि नगरी पार में दर्जनों गांवों को जोड़ने वाला कोरवली थानीदास मार्ग चौधरी चरण सिंह नहर की माइनर जाम होने के कारण 1 फुट ऊंचाई की धारा मार्ग पर 100 मीटर की दूरी तक बह रहे मार्ग पर जल बहाव से स्कूली बच्चे व वृद्ध व्यक्तियों आदि का आवागमन बाध्य हो गया है। मार्ग के अगल बगल कई किसानों की 1 एकड़ से अधिक फसलें नष्ट होने के कगार में है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन गाँवों में सरकार द्वारा चलाए गए योजनाओं का लाभ इन गरीब मजदूरों और किसानों को नहीं मिल पा रहा है। कारण यह है कि ग्राम प्रधान को अभी तक ग्राम सभा में कार्यरत सफाई कर्मी, आंगनबाड़ी ग्राम विकास अधिकारी और रसोइयों का नाम तक नहीं याद है। इन गांवों में मार्ग व राशन, आवास आदि की समस्याएं सबसे बड़ी नजर आ रही है। समस्या का कारण यह है कि ग्राम प्रधान के साथ साथ अधिकारी व कर्मचारियों की लापरवाही नजर आ रही है। कैमरामैन अखिलेश के साथ जिला संवाददाता मनोज सिंह, आईबी इंडिया न्यूज, मऊ।